डोईवाला में लच्छीवाला रेंज के अंतर्गत बरसों से वन भूमि पर अवैध रूप से निवास कर रहे गुजरों पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अपनी भूमि को मुक्त कराया है। बता दें कि लच्छीवाला में यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी वन गुजरों पर वन विभाग का डंडा चल चुका है, जिसमें कई एकड़ भूमि को रेंज अधिकारियों ने मुक्त करवाया है। वहीं इस मामले को लेकर डिप्टी रेंजर KL नोटियाल ने कहा कि बरसों से वन गुजरों के चार परिवार वन भूमि पर कब्जा किए हुए थे और कई बार इन परिवारों को हटाए जाने के आदेश वन विभाग द्वारा दिए जा चुके हैं, लेकिन आज वन विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से वन क्षेत्र को खाली कराया है। में एक सूचना प्राप्त हुई थी, छोटे भाई हमारे ना कार्यकर्ता हैं संगठन के, ये 3-4 दिन पहले अभी सुषमा साग लेने आए थे यहाँ पे। तो सुषमा साग लेने आए थे तो इन गुजरों ने जो है इन्हें पकड़ लिया और जो है इनको यहाँ 3 घंटे बिठा के इनकी पिटाई भी करी। तो ये सूचना छोटे भाइयों के द्वारा हमें प्राप्त हुई, तो उसी उसमें हम लोग आए, तो इसकी सूचना हमने वन विभाग को भी दी, तो वन विभाग के द्वारा आज जो है इसमें कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जो है ये गुज्जर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं और इनके झोपड़े हमने कितनी बार तोड़ दिए, इनको 10-10, 12-12 बीघा जमीन जो है गड्ढी खाता में मिला हुआ है। अच्छा, अब इनका कहना है कि हम जो है छूटे हुए हैं, तो अब इनके इनके पिताजी के नाम जो है वहाँ जमीन मिली हुई है और पिताजी के नाम मिलने का मतलब ये, अगर उसके 10 बेटे तो अगर एक सुई भी तो 10 बेटों का उस पर अधिकार होता है। अब ये इनका कहना है कि बाप को मिली है हमको नहीं, उसके 10 बेटे होंगे तो 10 बेटों को 10-10 बीघा जमीन मिलेगी क्या? एक ही तो मिलेगी, बाप को तो मिलेगी। अब आपकी अगर सुई भी है तो 10 बेटे हैं, 10 बेटों में वो बटेगी।